दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बजरंग। इसमें कोई शक नहीं है कि तुलसी का पौधा आमतौर पर हर घर में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। परेशानी जब बहुत बड़ी हो तो चुपचाप करें ये उपाय, तुलसी की जड़ रख दे यहाँ और तुरंत देखें चमत्कार। क्योंकि एक तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे पूजनीय माना जाता है और दूसरे इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में होने से कई तरह के धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त कराता है। बहरहाल यही वजह है कि शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो सामान्यतः तांत्रिक भी है और इसके कुछ उपाय तांत्रिक शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो तांत्रिक उपाय हैं जिससे आपके कार्य में अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, परेशानी जब बहुत बड़ी हो तो चुपचाप करें ये उपाय, तुलसी की जड़ रख दे यहाँ और तुरंत देखें चमत्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए तुलसी एक सर्वोच्च हथियार है। इससे किसी भी काम को किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग भी अवश्य लिखें। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि काम बन जाएगा उसी टाइम कुछ ना कुछ परेशानी अगर आपको आ जाती है, किसी तरह की परेशानी की वजह से काम नहीं हो पाता है या फिर सफलता नहीं मिल पाती है, उसकी किस्मत आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले तुलसी की जड़ को घर में लगा लेना चाहिए। तुलसी को घर में कैसे लगाना है? तुलसी को लगाने से पहले आपको एक दिन पहले तुलसी की जड़ को आमंत्रण देना है या फिर निमंत्रण भी आप उसे कह सकते हैं। आपको उस जड़ को निमंत्रण देना है। आप कहीं आपके घर में या फिर जो तुलसी सूख चुकी है या किसी और जगह से आप लाना चाहते हैं तो एक दिन पहले जाकर उसे अपने घर पर आने के लिए उसे बोल दें, उसे निमंत्रण दें। तुलसी से निवेदन करें कि कल को आपको मेरे घर आना है और उसके बाद निमंत्रण दें। इसके बाद आप उसे, अगर आप एक दिन पहले नहीं कर सकते हैं तो उसी दिन कुछ समय पहले ही आप निमंत्रण देकर के आए, तुलसी की जड़ को निमंत्रण दें। अब तुलसी की जड़ को घर में लाने हैं तो निमंत्रण देने के बाद तुलसी की जड़ को जैसे ही आपने घर में लाएंगे तो घर में लाने के बाद उसको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से अच्छी तरह से धो करके उसे पवित्र कर लें। पवित्र गंगा जल से धोने के बाद वह पवित्र हो जाएगी। इसके बाद आपको इसका पूजन करना है। अपने पूजा घर में रखें इस जड़ को और जड़ रखने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजा करें और इसके बाद आपको इसकी पूजा विष्णु भगवान के सामने करनी है। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है और आपको इस जड़ को पीले कपड़े में बांध लेना है और पीले कपड़े में बांध लेने के बाद, यानी कि इस जड़ को जब पीले कपड़े में आप बांध लेंगे तो उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में राइट हैंड में, क्योंकि आपको अपने दाएं हाथ से आपको इसे बांधना है। इसके अलावा पूजन करते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करना है। भगवान विष्णु का मंत्र आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करें और इसके बाद आप हाथ में से बांध देंगे। एक बात और बता देता हूँ, आपको विष्णु भगवान के मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण करना है। यदि आपने मंत्र में कोई गलती की तो आपके इस प्रयोग में भी गलती हो सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप मंत्र सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब तक आप इसको अपने हाथ में बांध देंगे तो इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। जितनी देर आप इसको हाथ में बांधने में लगेगी, चाहे यह मंत्र चार बार बोले, छह बार बोले, पांच बार बोले, दस बार बोले या कितनी बार भी आपको उसे बोले, उसको आपको बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यह एक तांत्रिक उपाय इसलिए है, इसे करने से आपके धन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। ये जड़ आपको
आपका अगर हाथ में बांध लेते हैं तो आपके धन संबंधी सभी मामलों को खत्म कर देगी, यानी कि धन संबंधी सभी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और धन आने के सभी रास्ते खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए, आपके घर में किसी को भी अगर नजर लगती है तो, या फिर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे बहुत ही आसानी से नजर लग जाती है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। अगर आपको या किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या घर में अचानक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए तो तुलसी का यह उपाय आपके लिए बहुत मददगार होगा। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए या अचानक धन हानि होने लगे या किसी भी जगह आप जाते हैं अचानक से धन हानि पड़ने लगती है या कोई व्यक्ति आपके घर में अचानक बीमार पड़ जाता है तो आपको यह तुलसी का उपाय करना चाहिए। इसके अनुसार आपको क्या करना है, वैसे तो हर किसी के घर में तुलसी होती है, अगर ना हो तो आप तुलसी के पत्ते आपको 7 पत्ते लेकर के आने हैं और यह उपाय आपको शाम को लेकर के आने चाहिए पत्ते। आप चाहे तो किसी पड़ोसी के घर से भी आप घर में तुलसी के पत्ते लेकर के आ सकते हैं। आपके अगर किसी पड़ोस में तुलसी है तो आप वहां से 7 पत्ते ले लें। आपको बस तुलसी के 7 पत्ते लेकर के आने हैं और काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च लेने के बाद इसको आपको मुट्ठी में बंद कर लेना है। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते दोनों को एक साथ रख करके एक मुट्ठी में बंद करें। इसके बाद उस व्यक्ति की नजर उतारें या किसी व्यक्ति को जो परेशानी है, व्यक्ति जो बीमार है या उसके आपको सारे धन आनी हुई है या उसकी नजर आपको जिसको उतारनी है, आपको उसे लेटा देना है और जिस मुट्ठी में आपने इन दोनों चीजों को बंद किया है, तुलसी को और काली मिर्च को, आप उसके सिर से लेकर के पैर तक उसे 21 बार घुमाना है और साथ ही साथ आपको ओम ओम इस मंत्र का आपको मंत्र भी, इसका जाप भी आपको करना है। जाप करते हुए मुट्ठी को आप उसके सिर से लेकर पैर तक फिराते रहेंगे या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि घुमाते रहेंगे। इस प्रकार से आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है और 21 बार ही आपको इस मुट्ठी को घुमाना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारने के बाद जो आपको हाथ में काली मिर्च उस व्यक्ति को खिला देनी है, जब वह काली मिर्च खा ले तो उसके बाद आप उसे तुलसी के पत्ते अपने हाथों के बीच में मसल कर उसको निगलने के लिए दे दे। वह पानी से इन पत्तों को निगल जाएगा क्योंकि वह पत्ते चबाने नहीं है। हाथों से मसल लेने के बाद आपको इन्हें देना है और वह पानी से उसे निगल जाएगा। आखिर में आपने जिस व्यक्ति के साथ ये उपाय किया है तो उस व्यक्ति को लेटा कर उसके तलवे पर किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ा दे, यानी कि उसके तलवों को आप झाड़ दें किसी भी कपड़े से, किसी भी साफ कपड़े से उसके पैरों पर लगातार से 7 या 11 बार व्यक्ति को झाड़ा दे। इससे अगर धन हानि अगर हो रही है या फिर जो भी किसी प्रकार की उस जीवन में कोई परेशानी है, वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, वह ठीक हो जाएगा और उसकी सभी प्रकार की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगले उपाय के अनुसार यदि आप धन संबंधी कार्यों में सफलता हासिल करना चाहते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी जरूर लगाएं और तुलसी के उपाय घर में सुख समृद्धि का वास होता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होने देती है। इसके बाद हम बात करते हैं उनके बारे में, अगले उपाय के बारे में। तुलसी की माला गले में आपको जरूर धारण करनी चाहिए, इससे आपको आसानी से ही धन संबंधी सभी कार्यों में सफलता मिल जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति तुलसी की माला को अपने गले में धारण करता है तो उसे हर देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। गौरतलब है कि असली तुलसी की माला धारण करने से आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं 5वें उपाय के बारे में। हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले दही चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो जिस किसी कार्य के लिए भी आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा दही के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करते हुए कई आयुर्वेदिक लाभ भी आपको मिलते हैं और इससे पूरा दिन काम में मन लगता है और काम में सफलता भी मिलती है। इसके साथ ही इससे किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं रहता है। बहरहाल अगर आप भी तुलसी के फायदे से सहमत हैं तो आज तुलसी के पौधे को घर में लेकर आएं और तुलसी की पूजा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी अवश्य लिखें और साथ ही साथ साथ के बेल के आइकन को दबाना ना भूल जाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आप हमें कमेंट करके अपनी समस्याएं जरूर बताएं। मैं आपको आसानी से और होने वाला कोई भी उपाय बताऊंगा जिससे आपकी कोई भी आपकी जो समस्या होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप मुझसे कोई भी उपाय जानना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपनी राशि के बारे में या अपने जीवन में आ रही कोई भी समस्या के बारे में या उससे जुड़े किसी भी उपाय के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम हर रोज आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। आप जो भी समस्या कहेंगे हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अगर दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, हमें दे इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।